जी नमस्कार, क्रिएटिव सुपर 30 में आपका स्वागत है। आज आपको रेडिकल्स टर्म के बारे में सीखना है, कौन रेडिकल फ्री है और कौन फ्री नहीं है। फ्री हो जाएगा तो रेशनल नंबर निकालना सीखना है। तो यहां पर क्या है ना कि इंस्पेक्शन मेथड से ही आपका होगा, तो इसके लिए कुछ शर्त है और जेई वाला बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, यानी प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले थ्योरी कि ए के पावर 1/p और बी के पावर 1/q का होल पावर ए। ए बी बिलोंग टू प्राइम नंबर कह रहा है और TR+1 टर्म को एन कॉम्बिनेशन आर, ए के पावर क्या होता है n-r, इसके पावर p है तो p हो गए, और b के पावर r/q। तो इसमें आपको देखना यह होगा कि p और q में कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसकी बात चलेगा और छोटा वाला उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यह भी शर्त है कि यहां पर a और b को प्राइम नंबर होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन देख करके हम लोग बनाने का प्रयास करें, और इस टाइप के और क्वेश्चन भी बना के आप देख सकते हैं तो आपसे बनेगा। यहां पर देखिए, आपके पास प्रश्न है ना, वह प्रश्न क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 500 है, तो टोटल टर्म तो 501 है। अब यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितना जो है वो इंटीजर्स वाला है, तो आपको तुम सिंपल सी लॉजिक लगाना है, क्या यह प्राइम नंबर है, क्या यह प्राइम नंबर है, जवाब होगा नहीं। तो इसको पहले प्राइम नंबर के रूप में लिखो, तो यहां 3 के स्क्वायर, इसको भी प्राइम नंबर के रूप में लिखो तो 2 के पावर 3। अब इसकी पावर 500 है, 500 ही रहने दो। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे तो 2/1/4, और इसको करोगे और तुम लक्की हो कि तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। कभी कभी लाख से भी प्रश्न आसान हो जाता है, यानी 3 के पावर 1/2 और 2 के पावर 1/2 और इसका पावर 500 है। तो चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर है तो कोई से चलो, तो अगर 2 से चलेंगे तो ये 250, यानी 1 कटेगा आपका कितना, तो 0 भी कट रहा है, 250 भी कट रहा है, तो 251 को आपका रेशनल हो जाएगा, 250 आपका इरेशनल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल अच्छे से मिल गया। हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि IIT इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अब यहां पर 3 के पावर 1/3, अब यहां पर जो बोलने का काम करेगा, क्या काम करेगा, बोलने का, यह 5 करेगा, तो 5 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा, ऐसे करके इस पर पावर हम थोड़ा कर देते हैं 30। पावर क्या कर दिया, 30। तो बोलना चालू करेगा 0 5, 5 के बाद क्या लेगा, 10 15 20 25 30, यह लिया कि नहीं लिया। अब हम 3 घटा करके देखेंगे, तो पहले यहां से 0 घटेगा तो 30 का 30 हो गया, पेन चेंज करना पड़ेगा, तो यहां 30 का 30, इसमें से हम 3 घटाएगा तो आ जाएगा कितना, 22, 3 घटेगा 17, 3 घटेगा 12, 3 घटेगा 7, 3 घटेगा 2 और नहीं घटेगा 30। अब यहां पर समस्या है कि दोनों को कौन काट रहा है, तो पहला यहां 1 और दूसरा ये, देखिए
और तीसरा आपका ये यह कट रहा है, यानी बिल्कुल, यानी एक दो तीन, यहां पर तीन टर्म इंटीजर्स हो जाएगा। टोटल टर्म होता 30 और एक 31, तो 31 में तीन आपका रेशनल हो गया, तो इरेशनल कितना हुआ यार, 31 में से तीन गया तो 28। इस टाइप के क्वेश्चन करने में अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बोल सकते हैं, तो बोलेंगे प्रोफेसर तकलीफ नहीं, खूब बढ़िया से हो गया। कभी कभी इसका सम पूछता है, कभी कभी इसका क्या पूछता है, सम पूछता है। अगर सम पूछेगा तो क्या करोगे, तो यहां पर कभी कभी सम पूछता है तो सम के लिए भी बात कर सकते हो, तो यहां पर ए वाला को निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला निकलेगा और जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो आराम से तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कोई तरह की तकलीफ नहीं होगा। आराम से अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आप बोल सकते हैं, तो जवाब होगा कि सर कोई तकलीफ नहीं है, हमसे यह प्रश्न अच्छे ढंग से बन जाएगा। अगर है किन्हीं का तो बोल सकते हैं, जवाब होगा नहीं। इसी टाइप के सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो तुम्हारे पास वो 15 है। अब तुम बताओ कि कौन बोलेगा, यहां 1/5 है, 1/3 है, 5 को बोलने दो, 5 को बोलने दो, 0, 5, 10, 15। अब ये बोल दिया, अगर ये 15 ले लिया तो यहां 0 लिया, 10 लिया तो यहां इसको पूरा करना है 15, तो 15 में से 10 चला गया तो यहां 15। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को तुम आराम से अच्छे ढंग से कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो आपने अच्छे से करने का प्रयास किया और आपकी, तो यहां पर हम लोग देखेंगे अगर 5 में से 3 गया तो आपको यहां पर इसकी 15 ही रहेगा, तो एक ये वाला, एक ये वाला, यानी दो टर्म इसका मिलेगा, एक मिलेगा 15 कॉम्बिनेशन 0 और दूसरा मिलेगा वह 15 कॉम्बिनेशन 15। अगर 15 कॉम्बिनेशन 0 है, इसका मतलब ये वाला तो वैल्यू 1 है और 3/1/5 और इसका पावर 15 है और 2/3/0 है, यानी इसका हम लोग हल करेंगे तो 3 बार में तो 3/3 ये तो 0 हो गया 27। और यहां पर 15 के कॉम्बिनेशन 15 है तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3/5/0 और 1/3/15 5 हो गया, 2/5 32 हो गया, यानी यहां पर 27 है, यहां 32 है, 7 × 9 यानी 59। यह प्रश्न बना करके आप लोग कमेंट करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।